नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्षी चुनावी समर में इसे बाढ़ की तरह प्रयोग कर भाजपा पर हमलावर हैं, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अब योगी के बटेंगे तो कटेंगे के सामने अपना 27 का सत्ताधीश ले आए हैं। जी हाँ, अखिलेश योगी के बीच अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ के बयान पर बहुत हो हल्ला मचा, पर उनके बोलने के कुछ दिनों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी यही बात अपने स्पीच में कह दी। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हालांकि इस स्पीच में कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि यहां तो जोड़ने की बात हो रही थी। आमतौर पर राजनीतिज्ञ तो सिर्फ बांटने की बात करते हैं। अंग्रेजों ने भारत में शासन करते हुए यहाँ के लोगों को एक बात तो बहुत पक्की तरीके से समझा दी थी कि अगर राज करना है तो डिवाइड एंड रूल करना होगा। आजादी के बाद अंग्रेजों की इस रणनीति पर देश की सभी पार्टियों ने चलने की कोशिश की, पर सफलता कांग्रेस को ही मिली। अब 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस एक बार फिर नए सिरे से लोगों को बांटने का इंतजाम कर रही है। जाहिर है कि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया तो होगी ही। अब दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं और कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं, जिसमें सबसे खास यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं। वहीं मुंबई की कई सड़कों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर, जिन पर बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं लिखा हुआ था, कि नजर आने से ये मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ताल ठोक कर मैदान में है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है, बल्कि यूं कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी के लिए जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना यूपी के उपचुनाव जीतना। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। यही कारण है कि योगी अपने खास मंत्रियों की ड्यूटी उपचुनावों के लिए लगा रखी है। उम्मीद की जा रही कि टिकट भी उन्हें ही मिलेगा जिसे योगी चाहेंगे। योगी इन उपचुनाव को तभी जीत सकेंगे जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो हार्डकोर समर्थक पार्टी से दूर हो गए थे वो फिर से एक बार वापस आ जाए। ये इसी शर्त पर हो सकता है जब उन्हें ये भय दिखाया जाए कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर योगी हिंदुओं को भय दिखाकर एकजुट कर लिए तो फिर बीजेपी को जीतने से कोई रोक नहीं सकेगा। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। योगी का ये बयान बंगाल में तख्ता पलट के बाद तब सामने आया जब बंगाल में उपद्रवी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे थे, जिसे विपक्षियों ने सियासी मुद्दा बना लिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।